महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वें स्थापना दिवस पर आयोजित साप्ताहिक समारोह के अंतर्गत मंगलवार को महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बलरामपुर हॉल में रामचरितमानस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महानगर के 8 स्कूलों के छात्रों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर कार्यक्रम के संयोजक डॉ. फूलचंद प्रसाद गुप्त ने कहा कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 88वां संस्थापक समारोह मनाया जा रहा है, जिसके तहत मंगलवार को बलरामपुर हॉल में रामचरितमानस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 8 विद्यालयों के 3-3 छात्रों ने प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले छात्रों को 10 दिसंबर को समापन समारोह में विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित द्वारा नगद धनराशि और गौरव पत्र से सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए कार्यक्रम के संयोजक फूलचंद्र प्रसाद गुप्त ने कहा, डॉक्टर फूलचंद प्रसाद गुप्त परिषद के द्वारा आयोजित संस्थापक सप्ताह समारोह के अंतर्गत आज 8 दिसंबर को इस बलरामपुर सभागार में श्री रामचरितमानस की प्रतियोगिता हो रही है। ये एक स्तर की प्रतियोगिता है जिसमें कक्षा 9 और 10 के छात्र भाग ले रहे हैं। इसमें करीब 25 छात्र आज अपनी प्रतिभागिता दे रहे हैं और इस तरह की अनेक प्रतियोगिताएं शिक्षा परिषद में आज आयोजित हो रही हैं, सप्ताह भर चलती हैं। आज ये अपनी भारतीय संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में ये प्रतियोगिता आयोजित है। कुल कितने विद्यालय में भाग लिए? इसमें 8 विद्यालय भाग रहे हैं, हर विद्यालय से 3 छात्र आए हैं, 24 छात्र भाग ले रहे हैं। इनको सम्मानित किया, इसमें जो प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त होंगे उसको 10 दिसंबर को माननीय हृदय नारायण दीक्षित जी विधानसभा अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के हाथों उनको सम्मानित किया जाएगा, उनको गौरव पत्र और नगद धनराशि देकर के सम्मानित किया जाएगा।